जब आपका कोई घर गिरा गिर रहा हो, जो आपका छप्पर ढह रहा हो, तो बचाने वाले 10 आ जाएंगे, साथ देने वाले 10 आ जाएंगे, मगर जब कोई फावड़ा लेकर के अपने घर को खुद गिरा रहा हो तो कोई मदद के लिए नहीं, कोई हेल्प करने नहीं आएगा। अपने पैर पर जो कुल्हाड़ी मारता है उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। उम्मते मुस्लिमा, तुम्हारा यही हाल, सारी बर्बादियों के तुम खुद जिम्मेदार हो। तालीम में पैसा खर्चा करने के बजाय तुमने शहवतों के नजारों में पैसा खर्चा किया, सेहत के बजाय सेहत को बर्बाद किया, तिजारत के बजाय उल्टी सीधे काम किया। इकोनॉमिकल तौर पर तुम कमजोर हो गए, हर तरीके से तुम मोहताज हो गए, सिफात भी गई, खिदमात भी गई, सब कुछ तुम खत्म कर लिया। जब तुम खुद अपने आप को बर्बाद करने पे लगे हो तो क्या कोई पार्टी बचा लेगी तुमको? क्या कोई जमात बचा लेगी? क्या कोई इलाका तुमको बचा लेगा? नहीं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल खुदा अपनी हालत बदल लेगा, पहले तुम खुद अपनी हालत की इस्लाह करो। जिस दिन तुम सुधर जाओगे सारा माशरा सुधर जाएगा, सारा जमाना सुधर जाएगा, तुम्हारा घर सुधर जाएगा, तुम्हारा इलाका सुधर जाएगा। नारे तकबीर।